सो क्लास 11th को क्वालिफाई कर चुके हैं, क्लास 11th के एग्जाम्स दे चुके हैं, उसमें पास हो चुके हैं और अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में डेफिनेटली क्यूरियोसिटी बनी हुई होगी कि आपको जो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में पढ़नी है उसमें क्या कंटेंट रहने वाला है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके माइंड में पॉपअप हो रही हैं तो इस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, जिससे कि आपके जितनी भी क्वेरीज हैं आपके माइंड में वो सारी की सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिलने वाली है अबाउट द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको अवेयर करने वाली हूँ अबाउट द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12 फॉर द सेशन 2024 to 2025। ये वीडियो हर इस बच्चे के लिए स्पेशल है जो बच्चे 2025 में अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का जो पेपर कंडक्ट होगा, ठीक है, वो जैसे आपका 11th क्लास का पेपर कंडक्ट हुआ था ना 80 मार्क्स का, बिल्कुल क्लास 12th का भी 80 मार्क्स का ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा बाय CBSE। ओके स्टूडेंट्स, और उसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा अलोंग विद 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, ठीक है। सो 3 आवर्स का टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा टू सॉल्व योर एग्जाम ऑफ 80 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है, जैसे क्लास 11 में था ना, थियोरेटिकल भी थी प्लस प्रैक्टिकल पोर्शन भी था, यहाँ पर भी वही कुछ देखने को मिलने वाला है। थियोरेटिकल पोर्शन भी है, प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, तो जहाँ पर भी प्रैक्टिकल पोर्शन आ जाता है वो चीज़ वैसे ही इंटरेस्टिंग बन जाती है, राइट। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क है या नहीं है इकोनॉमिक्स का। तो जैसे स्टूडेंट्स क्लास 11 में आपका प्रोजेक्ट वर्क इकोनॉमिक्स का था 20 मार्क्स का, इन द सेम वे क्लास 12 में भी प्रोजेक्ट वर्क इज देयर फॉर 20 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कितनी बुक्स मैम पढ़नी होंगी इकोनॉमिक्स की क्लास 12 में। तो स्टूडेंट्स क्लास 12 में आपको 2 बुक्स पढ़नी है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, एंड दैट इज पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज दी जाएगी, ठीक है, एंड पार्ट बी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपकी 2nd बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपको नेम से पता लग रहा होगा। इसमें इस बुक में आपको अवेयर किया जाएगा अबाउट योर कंट्री इंडिया, इंडिया की नॉलेज आपको दी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं वेटेजेस ऑफ दीज 2 बुक्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का कंडक्ट किया जाएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम है वो 80 मार्क्स का होगा। उसमें 2 बुक्स आपको पढ़नी है, Book 1 which is Introductory Macroeconomics, Book 2 is which is Indian Economic Development। दोनों ही बुक्स की इक्वल वेटेज है गाइस, Book 1 भी 40 मार्क्स की है और Book 2 से भी कंटेंट आपका 40 मार्क्स का आने वाला है। तो दोनों बुक्स ही हमारे लिए इक्वल इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक की। इस बुक में आपको टोटल 5 चैप्टर स्टडी करने होंगे। Chapter 1 इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है, ये 10 मार्क्स का चैप्टर है। Chapter 2 इज मनी एंड बैंकिंग, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। Chapter 3 इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये 12 मार्क्स का चैप्टर है। Chapter 4 इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। एंड Chapter 5 इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो इस हिसाब से 40 मार्क्स बन जाते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चैप्टर जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज है वो है हमारा ये Chapter 3 विच इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। मतलब अगर आप 2 चैप्टर्स कर लेते हैं अपने ढंग से तो आपके 22 मार्क्स यहाँ पर आराम से सिक्योर हो जाते हैं, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, विच इज़ द 2nd बुक ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपको स्टडी करनी है। इसमें Unit 1 जो है वो है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। इसमें बेसिकली आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। Chapter 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, Chapter 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड Chapter 3 इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो Unit 1 की जो वेटेज है स्टूडेंट्स वो है 12 मार्क्स, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की विच इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपके चैप्टर्स आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके, एंड इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये इसकी कंबाइंड वेटेज आपको गिवन है विच इज़ 20 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड यूनिट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। तो इस यूनिट में एक चैप्टर आपका दैट इज कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इसकी वेटेज 8 मार्क्स की है। तो इस तरीके से 40 मार्क्स डिवाइडेड है बुक 2 में। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क, इसमें 20 मार्क्स का है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके माइंड में जो भी क्वेरीज थी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th वो अब रिजॉल्व हो गई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन चैट सेक्शन, आवर टीम विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स थोड़ा टेक्निकल तो है ही है क्लास 12th का, ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप माई सेशन फॉर टुडे एंड see you in our next session. Till then, bye bye, take care, Jai Shri Shyam.